अपने घर में गम भी खा लिया करो। अपने घर में कोई भी आपको कभी बोल दिया है उसकी गांठ बांधकर मन में मत रखो। कभी जोश में किसी के मुख से कोई शब्द निकल गए, अब उसके लिए आप ज्यादा नाराज होंगे तो घर और बिगड़ेगा। और घर को बिगाड़ने में आपका हाथ नहीं होना चाहिए, बिगड़ने वाले घर को संभालने में आपका हाथ होना चाहिए। आश्रम को बिगाड़ने में आपका हाथ नहीं होना चाहिए, आश्रम को संभालने में आपका हाथ होना चाहिए। याद रखना, बिगड़ता तो संसार में खुद ही सब कुछ है, लेकिन संभाल ले उसी का नाम इंसान होता है, उसी का नाम इंसान होता है। अपनी पार्टी के संगठन को भी बिगड़ने से बचाइए। आपके उपद्रव करने से अगर पार्टी टूट सकती है तो आप थोड़ा गम खा लीजिए, क्योंकि पार्टी का नुकसान आपका भी नुकसान है। अकेला चना कोई भाड़ नहीं फोड़ता है, पार्टी में शामिल होने से ही सफलता मिलती है। बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर अलग हुए तो फेल हो गए। इसलिए याद रखना, तुम्हारी पार्टी तो तुम्हारा घर है। पति पत्नी दोनों मिलजुल करके रहना, अपने सास ससुर को संभाल लेना। दुनिया में देवी देवता की पूजा तो बहुत लोग कर लेते हैं, मंदिरों में जाकर ओम नमो गणपति गंगवा कर देते हैं, लेकिन अपने घर में बैठे हुए देवी देवता के समान बूढ़े माता पिता और सास ससुर का सम्मान जो करते हैं, उनसे विश्व के सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हीं को आशीर्वाद मिलता है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखा किसी का। आपकी सरकार बन जाए तो अदर पार्टी वालों को दुख मत देना, क्योंकि जमाना कभी बदलेगा, शासन पलट सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है पावर में आने के बाद भी उग्रवाद नहीं अपनाता है, झुक कर चलता है, नम्रता से चलता है, क्योंकि वो समझता है संसार का नियम परिवर्तन है। सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अपनी बहुओं को भी न दुखाना, बेटों को भी दुख न देना, अच्छा चरित्र बनाना, अच्छा स्वभाव बनाना, और जहां रहो वहां थोड़ा नाम कमाओ, जहां रहो वहां नाम कमाओ। बहू बनकर रहो तो सास ससुर भी सोच में पड़ जाए कि ऐसी बहू तो हम भी नहीं बन पाए थे, बहुत महान है। सासू बन जाओ तो ऐसा रोल सासू का दिखाइए कि बहू सोच में पड़ जाए कि मेरी माँ से भी आगे है ये, बहुत महान है। और पति बनो तो ऐसे पति बनो कि पत्नी को दुख का पता न चलने, तो उसी का नाम ही पति है। और पत्नी बनो तो ऐसी पत्नी बनो कि आपके पति को घर की चिंता न रहे, कम से कम घर तो मेंटेन रखो। अभी एक डॉक्टर और डॉक्टरेन मुझे मिलने आए, बड़े डॉक्टर थे, तो डॉक्टरेन का जो मुंह था वो एकदम कुछ दुखी दुखी और गुस्सा गुस्सा। तो जब मिले तो डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर साहब को गुरुदेव थोड़ा समझा दो, ये गाली बहुत देते हैं। तुमने कहा तो मेरे को उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा डॉक्टर गाली देता होगा अपनी पत्नी को। तो डॉक्टर मेरे सामने शर्मिंदा हो गया, उसकी पत्नी ने मेरे सामने ही कह दिया। तो डॉक्टर हंसने लगा, बोला ठीक कोई बात नहीं, गुरु जी के सामने कह भी सकती। बोले जब नहीं सुधर रहे तो क्या करें, अब आखिरी में लगा दिया फाइल।
फिर कहा मुझे गाली दे वहां तक तो सह लेती हूँ, मेरे माँ बाप को भी गाली देती उसमें मैं घायल हो जाती हूँ। और फिर थोड़ा रो दिया उसने। तो हमने संतों से कहा तुम बाहर निकलो और दरवाजा बंद करो डॉक्टर साहब, क्योंकि किसी की कोई ऐसी बात हो तो उसको थोड़ा मर्यादा से करना चाहिए, सबके सामने नहीं करना। मैं नारियों से भी बताए देता हूँ, आप अपने पति की कमी को भीड़ में मत कहना, होशियार पत्नी बनो, चंडिका अवतार मत बनो। सबके सामने कहने थे, ये सबसे ज्यादा अपमान की चोट पति को लग जाती है, थोड़ा संभाल कर। और अपनी पत्नी की कमी को भी आप भीड़ में मत कहना, ऐसी जगह कहो जहां से सुधार हो जाए उसका, क्योंकि ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। तो मैंने उनको समझाया डॉक्टर साहब, हमने कहा डॉक्टर साहब मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी भद्दी गाली आप दे सकते। तो बोले उम्मीद क्या गुरुदेव, ये मेरी जो वाइफ है ये घर को संभालती नहीं है, कहीं कटोरी पड़ी है, कहीं थाली पड़ी है, कहीं झाड़ू पड़ा हुआ है, कहीं कचड़ा पड़ा हुआ है, और ये उसी में बैठी रहती है, खीसे काटती रहती है। मैं जब घर पहुंचता हूँ सब उलझ जुलझ मिलता तो मेरा दिमाग गर्म होता, तब मैं इसको डपटता हूँ, जब डपटता हूँ तो ये थोड़ा गुर्राती है तब मैं गाली देता हूँ, थोड़ा अकड़ती है तो इसके बाप की गाली देता हूँ। तो मैंने कहा अरे डॉक्टर साहब ये थोड़ी थोड़ी चीजें अपने हाथ ही संभाल लो, अब 20 साल हो गए जब नहीं सुधरी है, इसका संस्कार ही नहीं है, पूरे घर में सामान बिखराने का संस्कार है, अब इसको ठोंकने पीटने से कोई फायदा नहीं। तो बोले कि आखिर डॉक्टरी संभालूं, हॉस्पिटल संभालूं चार मंजिल का, कि ये घर की कटोरी सुधारूं। तो मैंने कहा इसके लिए तुम एक आदमी नौकर रख लो, वो सामान सेटिंग कर ले, पर ये नहीं कर पाएगी। कितने लोगों का संस्कार नहीं होता है सेटिंग से सामान रखने का, उल्लुल जुल्लुल इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा तिकड़म पिकड़म करते रहते हैं, जहाँ डाल दिया वहीं पर, घड़ी उठा कर रख दिया जहाँ थाली रखी थी, अब कटोरी उठा कर रख दिया सिराने बेड पास, जब रजाई ओढ़ा तो कटोरी उसी में गिरी, और उसमें तेल भर के रखा, खोपड़ी में गिर गई रजाई। बहुत बांगड़ू लोग हैं, दिमाग नहीं है, क्या करोगे तुम, अब इसमें ज्यादा उलझोगे तो डिस्टर्ब और हो जाएगा। इसलिए अगर घर में तुम शांति चाहते तो कम से कम महिलाओं की जिम्मेदारी, इनका नाम गृहिणी है, ये गृह की ऋणी है, इसलिए घर को पूरा मेंटेन रखना चाहिए, साफ सुथरा क्लीन, सामान की सेटिंग और सामान की सफाई, किसी चीज का दुरुपयोग ना हो, व्यवस्थित कर दीजिए, उसके बाद हाथ पांव मुंह धो करके आराम से टीवी में प्रवचन सुन लीजिए। काम को सही करना चाहिए आदमी को, उलझ जुलझ कभी नहीं करना चाहिए। अपना ऑफिस भी साफ सुथरा रखिए, उसमें किचकिच मत मचाइए, जहां जितनी ज्यादा सफाई होगी, शुद्धता होगी, सेटिंग होगी, एडजस्टिंग होगी, वहां पर गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी, वहां धन वर्षा होती रहेगी। ये बहुत बड़े पुराण शास्त्र में मैंने पढ़ा था आज के 10-15 साल पहले, नारद जी और इंद्र जी दोनों साथ साथ में एक सरोवर के किनारे खड़े थे। उसी समय सरोवर के किनारे एक विमान उतरा, विमान से एक देवी स्वरूपा कोई माँ बाहर निकली और सरोवर में जल लेकर प्रच्छालन कर रही थी। इंद्र जी ने कहा नारद जी पूछो जरा ये कौन है, नारद जी ने कहा आप पूछो ना। तो बोले नहीं नहीं मैं इंद्र हूँ, मेरे को नहीं पूछना चाहिए, तुम संत हो तुम पूछ सकते हो, ऋषि मुनि हो जाओ पूछो। तो नारद जी गए पूछे कि तुम कौन हो देवी, ये विमान से उतरी हो सरोवर के किनारे, तुम्हारा क्या परिचय है। तो उसने कहा मैं रंभा हूं, मैं लक्ष्मी हूं, यहां क्यों आई हो देवी, मैं दैत्यों के घरों को त्याग करके चली आई हूं, क्यों उनके घर को त्याग किया है देवी। नारद मैंने इसलिए त्याग किया, उनके घर की स्त्रियां जूठी उंगलियों से घी निकाल कर खाती है, सुनना बात को ध्यान से,
ये लिखा है पुराण में, उनके घर की स्त्रियां झाड़ू अब लगाना बंद कर चुकी हैं, उनके घर की स्त्रियां कर्कश आवाज में बात करती हैं, उनके घर की स्त्रियां समय पर भोजन नाश्ता बनाती नहीं है, पुरुषों से प्रेम नहीं रखती है, उनके घर की स्त्रियां अतिथि का सत्कार नहीं करती हैं, और उनके घर के लोग कठोर बोलना शुरू कर चुके हैं, उनके घर के पुरुष स्नान भी ठीक से नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते हैं, और उनके घर में इतनी मक्खियां बिदबिदाती रहती हैं कि अब मैं वहां नहीं रह सकती हूं, और भोजन बनाते समय भी स्त्रियां खाती रहती, बनाती रहती, जूठे करती रहती, इसलिए मैं उनका घर छोड़कर यहां आई हूं। देवी कहां जाओगी अब? इंद्र जी आगे बढ़कर खड़े हुए, बोले मेरे यहां चलो। नहीं इंद्र, तुम्हारे पास संयम नियम नहीं, इसलिए तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। जिसके यहां संयम नियम आचार विचार शुद्ध होता वहां हम रहते हैं, जिसके घर में साफ सफाई होती वहां हम रहते हैं, और जिसके घर में सब सेटिंग रहती, प्रेम रहता आपस में, वहां हम रहते हैं, जिसके घर में सुमत होती वहां रहते हैं, और जिसके घर में घी शुद्ध हाथों से निकाला जाता चम्मच से वहां हम रहते हैं, और जिसके द्वार पर अतिथि का सम्मान होता है, संत का आदर होता है, और प्रवचन की वाणी भजन गूंजते रहते हैं जिस घर में, वहां मैं निवास करती हूं, मेरा नाम लक्ष्मी जी। अब यहीं से हमको सोच लेना है, अगर लक्ष्मी को बुलाना है तो आपको पहले नंबर पर साफ सफाई रखना पड़ेगा, सामान की सेटिंग करना पड़ेगा। केवल देखो बालों की सेटिंग से काम नहीं चलेगा, न गालों की सेटिंग से काम चलेगा, तीन तीन घंटे बाल और गाल में खो जाते हैं, तो टांग कौन साफ करेगा? अरे बाल तो मारो दो चार कंघा और लपेट के बांध दो इनको, और घर को पूरा संभाल लो, गाड़ी को साफ रखो, सफाई से स्वर्ग बनता है, और जितनी ज्यादा सफाई रखोगे उतना ज्यादा तुम धनवान होते चले जाओगे। कितने लोग तो नाक छिनक करके उंगली में पोंछ कर फिर अपनी पेंट में चिपका लेते पीछे, जब वो सूख जाती तो चांदी जैसी चमकती, दूर से लगता है कि बोर्ड लगा है कि नाक यहीं चिपकाई जाती है। कितनी महिलाएं नाक अपने साड़ी में पोंछ लेती और फिर कभी दांव मिला तो मेरे पैर उसी में पोंछ देती कि थोड़ा माल तुम भी ले जाओ महाराज। ये सब गंदगी वहां मत करो, थोड़ा सफाई। सुबह दातुन कुल्ला कीजिए तो नाक ठीक से साफ कीजिए, नाश्ता कीजिए तब नाक साफ कीजिए, भोजन करने के बाद नाक साफ कीजिए, शाम को सोने के पहले नाक ठीक से साफ कर दो तो हर समय वो चुएगी भी नहीं। और बच्चों का भी नाक मुंह साफ रखो, बच्चों को एकदम क्लीन रखो, और बच्चों के सामने कभी गाली न देना ताकि बच्चे के संस्कार बिगड़ने न पाए। बच्चों के सामने कभी पति पत्नी लड़ना मत ताकि बच्चे इस तमाशा को देखकर आश्चर्य में न पड़े, और अपने बच्चों के सामने पति पत्नी कोई सलाह करनी है तो आप अलग बैठकर करिए, बच्चों के सामने गुप्त सलाह नहीं करना चाहिए। और बच्चे जब बड़े हो जाएं तो बच्चों को प्रोत्साहन देकर जिम्मेदारी देना चाहिए, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होना चाहिए, खाली कोई होना ही नहीं चाहिए, परिवार के अंदर सब लोग रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदारी लो, और मन को एकाग्र रखो, गृहस्थ आश्रम को अच्छी तरह से संभालो।